सोमवार को भगवान श्री अनादि कल्पेश्वर महादेव की इस वर्ष की चौथी बड़ी शाही सवारी बरसते पानी में धूमधाम से निकाली गई। मुख्य सवारी के धार्मिक दृश्यों की चार आकर्षण झांकियां बाहर से बुलाई गई, लेकिन वह बारिश के चलते विट्ठल मंदिर चौक व नया बाजार में खड़ी की गई। सवारी के आगे बैंड बाजे, ढोल धमाके, डीजे आतिशबाजी, भस्म रमैया, भक्त मंडल के सदस्य, अखाड़े, भजन कीर्तन मंडली आदि चल रहे थे। शाम 5 बजे भगवान अनादि कल्पेश्वर महादेव की प्रतीक प्रतिमा का विशेष श्रृंगार कर पूजा आरती कर उन्हें पालकी में विराजित किया गया। इसके बाद पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर करते हुए सलामी दी गई। शाही सवारी शाम 7 बजे कुमार नाका पहुंची, जहां प्रशासन सहित नगर के नागरिकों द्वारा अगवानी की गई और परंपरागत आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। यहां से सवारी नगर प्रवेश हुआ, जो विट्ठल मंदिर चौक, जूना बाजार, रामद्वारा, रावला गली, पुरानी तहसील, नया बाजार, राजेंद्र चौक, रानीपुरा, जगदेवगंज नगर के अन्य मार्ग होते हुए रात्रि में मंदिर पहुंची। विट्ठल मंदिर चौक पर खड़ी झांकी में एक दृश्य शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए श्रद्धालु, तो दूसरी तरफ जहाँ की भगवान श्री कृष्ण होली उत्सव गोपियों के संग मनाते हुए दिखाया गया, जबकि नया बाजार में झांकी में अंबा माता द्वारा राक्षस का वध व दूसरे में राधा कृष्ण का नौका विहार में दृश्य दिखाया गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा की झांकी ने भी आकर्षित किया। अखाड़ा उस्तादों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। उधर भस्म रमैया भक्त मंडल ने शानदार प्रस्तुति दी। उसके बच्चे